जिन्हें सब के लिए गैस प्यास मेंबर थे कैसर गनाई साहब, आज हमारे साथ मिले हैं, नौजवान लीडर है, साफ सुथरी छवि के मालिक हैं और अपने इलाके में इन्होंने अपने बल पे काफ़ी काम किए हैं। मैं मुबारकबाद ही देता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने इनके साथ काफ़ी अरसे से रबता रखा और बिलाकर आज इन्होंने हमारी जमात ज्वाइन की है। आप देख रहे हैं जो पूरी वादी कश्मीर और जम्मू में अपनी पार्टी आजकल आवामी रबता मुहिम में एक लगी हुई है, उसी रबते का एक फल ये भी है और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हम वो सब कुछ कर सकें जो लोगों को वादा करते हैं और अल्लाह के फजल से हम जो वादा करते हैं वो सच है और सच पे ही मांगे। सर एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पीच करते हुए ये कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ अनासर ऐसे हैं जो यहाँ पर अमन अमान नहीं चाहते और बार बार सिक्योरिटी फोर्सेज को मजबूर करते हैं कि वो कोई ऐसी हरकत करें जिससे स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स जो है फिर से यहाँ पर लौट आएँ, तो क्या समझते हैं आप? ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने आज कही है, ये तो हम पिछले 70 साल से ये सुनते आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोग अमन चाहते हैं और लोग ही सबसे बड़े इसके ये होते हैं, दे आर द बिगेस्ट जो स्टेक होल्डर्स, अमन के स्टेक होल्डर्स वही है। अल्लाह के फजल से जब लोग अमन चाहते हों तो अमन ही रहेगा। सर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो आपसे जानना चाहेंगे नहीं, वो तो सब उनको पता।